हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि हम पढ़ते हैं सीरीज़ वाइज। तो आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तहत, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनकी बायोग्राफी, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, अचीवमेंट्स और इनकी रचनाएं, सारे के सारे पॉइंट्स आज के इस लेसन में हम इंक्लूड करने वाले हैं, और जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के हमारा लेसन सरोजनी नायडू। फर्स्ट पॉइंट हमारा इनका यह है कि इनका जो जन्म है 1879 को हुआ था, 13 फरवरी, हैदराबाद डेक्कन में हुआ था। सरोजनी नायडू जी का जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी को हुआ था फ्रेंड्स। और इनके जन्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि 13 फरवरी को इनकी जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं नेशनल वुमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। मृत्यु इनकी बात कर लेते हैं तो 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स। फादर जो थे इनके डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, शी पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी एट द अर्ली एज ऑफ 12 साल की आयु में इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से जो है मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन क्लियर किया था। और फ्रेंड्स उसके बाद जो है ये इंग्लैंड चली गई थी अपने हायर स्टडी के लिए। कब गई थी इंग्लैंड? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1895 में ये इंग्लैंड गई थी और 3 साल बाद ये वापस आ गई थी इंग्लैंड से, और इन्होंने शादी कर ली थी एमजी नायडू जी से। और सरोजनी नायडू, जैसा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स। ये जो उपनाम है ना, उपाधियाँ जो दे दी गई हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और आर के नारायण जी को रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है, कमला दास जी को कन्फेशनल नॉवलिस्ट कहा जाता है, चेतन भगत को पेपर बैक ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरोजनी नायडू जी को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस तरह से कहा जाता है। ये इनके उपनाम है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। रचनाओं की यदि इनकी बात करें फ्रेंड्स, देखिए जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक रचना लिखी थी, लेडी ऑफ द लेक। ये बहुत लॉन्ग नरेटिव पोयम है, 1300 लाइनों की पोयम है, और इन्होंने लिखी थी वॉल्टर स्कॉट्स का जो लेडी ऑफ द लेक रचना है उसकी इमिटेशन, उसकी नकल के रूप में इन्होंने खुद से भी एक रचना ऐसी लिख दी थी। तो ये क्वेश्चन बनेगा, लेडी ऑफ द लेक किसकी है? सरोजनी नायडू की है। कितनी लाइनों की लिखी इन्होंने? ये 1300 लाइनों की लिखी थी, और ये इन्होंने लिखी थी सन 1892 में लिखी थी, ठीक है। 1892 में इन्होंने ये रचना लिखी थी लेडी ऑफ द लेक, और मात्र 6 दिनों में इन्होंने लिखी थी 1300 लाइन की ये पोएम्स, ठीक है। और किसकी इमिटेशन पे? वाल्टर स्कॉट्स लेडी ऑफ द लेक इन्होंने लिखी थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक 2000 लाइन का ड्रामा भी लिखा था। और पहली जो इनकी पुस्तक है 1905 में पब्लिश हुई थी, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये इनकी फर्स्ट बुक है। और जैसा कि ये इंग्लैंड गए थे स्टडी के लिए, तो ये कैम्ब्रिज में सर एडमंड गॉसे से मिले थे, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक एमिनेंट पोएट थे फ्रेंड्स, तो उन्हीं को ये डेडिकेटेड है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड किसकी है? तो ये है सरोजनी नायडू की रचना है, 1905 में पब्लिश हुई थी। डेडिकेटेड किसको है? ये सर एडमंड गॉसे को ये डेडिकेटेड है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, ये द ब्रोकन विंग्स, 1917 में यह इन्होंने पब्लिश हुई थी, ये लंदन में इन्होंने ये लिखी थी। इसमें कुल 61 लिरिक्स हैं फ्रेंड्स, 61 जो है शॉर्ट्स पोएम का कलेक्शन है, द ब्रोकन विंग्स। और द ब्रोकन द बर्ड ऑफ टाइम है 1912 में, ये भी लंदन में लिखी थी इन्होंने, और ये है 46 जो है शॉर्ट्स पोएम्स का कलेक्शन है, द बर्ड ऑफ टाइम। और फ्रेंड्स ये जो द बर्ड ऑफ टाइम पोएम है इनकी, ये इन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स सरोजनी नायडू जी के, कि ये किससे प्रभावित हुई थी लंदन में, कौन थे जिन स्टडी के टाइम? तो सर एडमंड गॉसे, और उन्हीं को उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो है डेडिकेट किया था। उसके बाद ये तो द बर्ड ऑफ टाइम है इनका, ये इन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया था। द बर्ड ऑफ टाइम में कितने लिरिक्स हैं, कितनी शॉर्ट्स पोएम है? 46 हैं। और द ब्रोकन विंग्स में कितने शॉर्ट्स पोएम है? 61 हैं। इस तरह से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। और ये जो 3 इनकी पोएम है, ये इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, शॉर्ट पोएम्स के कलेक्शन है इसमें। नेक्स्ट है, ये सारी इनकी अन्य रचनाएं, द फैदर ऑफ डॉन, देखिए फ्रेंड्स ये आई थी 1961 में पब्लिश हुई थी, द फैदर ऑफ डॉन, और इसमें कितने लिरिक्स हैं, कितनी शॉर्ट्स पोएम का कलेक्शन है? 37, द फैदर्स ऑफ डॉन, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, द फैदर ऑफ डॉन में 37 जो कलेक्शन है गीतों का, तो उसमें फ्रेंड्स सोनेट भी हैं
फाइव सोनेट हैं जो मैं उनको नाम आपको बता देती हूँ। लोकमान तिलक, उमर, गुजरात, द नाइट ऑफ मार्टिडम एंड रिनंसिएशन, ये फाइव सोनेट हैं, इंक्लूड हैं इन 37 रचनाओं में फैदर ऑफ डॉन के अंतर्गत, ये कलेक्शन उस होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी पोयम हैं इस फैदर ऑफ डॉन कलेक्शन में, जैसे कि द सॉन्ग ऑफ द खैबर पास, स्प्रिंग इन कश्मीर, द फेस्टिवल ऑफ द सी, रक्षाबंधन, द ग्लोरिसा लिली, द लवली चाइल्ड, कन्हैया, सॉन्ग ऑफ राधा, ये सारे कलेक्शंस जो हैं द फैदर ऑफ डॉन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी अन्य रचनाएं हैं द टेंपल, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग, इंडियन वीवर्स, बेंगल सेलर्स, द स्कैप्चर्ड फ्लूट, द पलनक्विन बियरर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इनोवेशन टू इंडिया, लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस, सॉन्ग ऑफ राधा, फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल, अवैक। देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है इनकी, अवैक। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बता दूं, गांधी जी से इनको जो मिलना हुआ था इनका, सन 1914 में ये पहली बार महात्मा गांधी से मिली थी लंदन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1925 में इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने, तो ये 1925 के कांग्रेस अधिवेशन कानपुर की इन्होंने अध्यक्षता की थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी इस पोयम को रिसाइट किया था, मतलब गा के पढ़ के सुनाया था अवेक पोयम को। वेरी वेरी और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, हटके पॉइंट है, ये कौन सी पोयम थी जो उन्होंने कांग्रेस सेशन में रिसाइट किया था, अवेक, ठीक है। उसके बाद इनका और भी पोयम है, देखिए द सैल्यूटेशन टू माई फादर्स स्पिरिट, ये इन्होंने पोयम लिखी है, अपने फादर को डेडिकेट किया है। टू लोटस, अब ये देखिए ये सोनेट है टू लोटस, सरोजनी नायडू जी ने लिखा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इन्होंने सोनेट है महात्मा गांधी जी को डेडिकेट किया है, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उसके बाद उन्होंने ये उनको डेडिकेट करते हुए लिखा था, टू लोटस एंड टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, ये उनके उन्होंने अपने बच्चों को डेडिकेट किया था, टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ। तो फ्रेंड्स देखिए, और इनको जो है यूपी का जो है ये गवर्नर बनी थी कब, जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहली महिला राज्यपाल बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। और उनकी जो मृत्यु है वो 2 मार्च 1949 को हो गई थी फ्रेंड्स। तो इतनी जो बातें हैं सरोजनी नायडू जी की, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने आपको बताई और कहाँ से क्वेश्चन बनकर आएंगे बहुत ही शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश की है। और ये किस किस को उन्होंने डेडिकेट किया है ये अच्छे से आप याद कीजिएगा, टू लोटस महात्मा गांधी को है, टू माय चिल्ड्रन एंड लाइफ अपने बच्चों के लिए है, द बर्ड ऑफ टाइम अपने पेरेंट्स के लिए है, और इन सैल्यूटेशन टू माय फादर्स स्पिरिट ये अपने फादर को है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्होंने एडमंड गोसे को जो है डेडिकेट किया है, पब्लिश हुई थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट मैंने इस वीडियो में रखने की कोशिश करी है सरोजनी नायडू से संबंधित। तो फ्रेंड्स आज के इस लेसन में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्किल में आप पढ़ते होंगे तो उन सबको प्लीज़ ये शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।